वैसा गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई यू वीर, वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे एक इंपॉर्टेंट डे के साथ में, आगे चलेंगे फिर क्विज देखेंगे और फिर आगे हम लोग न्यूज डिस्कस करेंगे, फिर वीडियो के एंड में एक क्विज होगा। आप लोगों को बहुत अच्छे से ये वीडियो देखनी है ताकि वीडियो के एंड में जो क्विज हो उसका आंसर आप लोग अच्छे से दे पाए, तो इसलिए ये वीडियो आप लोगों को टकटकी लगाकर देखनी है, ठीक है। तो यहां पर जो बात की जा रही है, ये बात की जा रही है वर्ल्ड कैंसर डे के बारे में। आज कोई इंपॉर्टेंट डे नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि कोई ना कोई इंपॉर्टेंट डे आप लोगों का रिवाइज करा देता हूं। तो बात करते हैं यहां पर वर्ल्ड कैंसर डे के बारे में। 4 फरवरी को हर साल ये सेलिब्रेट किया जाता है, और ये जो सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया गया था, बेसिकली एक तरीके से अवेयरनेस फैलाने की बात की जाती है, ताकि देखिए जो कैंसर है ये आज की डेट में बहुत लार्ज स्केल पर लोगों के अंदर फैल रहा है, और कहीं ना कहीं हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो भी इसमें बहुत बड़ा पे कर रहा है। यानी कि हम लोग जो एक्सरसाइज नहीं करते हैं, ठीक से खाना नहीं खाते हैं, अपना ढंग से स्लीप नहीं लेते हैं, तो ये जो पैटर्न हमारा होता जा रहा है, बहुत लंबे समय तक हम लोग बैठे रहते हैं, तो ये कहीं ना कहीं इसको और बढ़ाने का काम करता है। तो किस तरीके से अवेयरनेस फैलाई जा सके ताकि जो कैंसर है उसके बारे में लोग जान सके। और कई बार ऐसा होता है कि लोगों को दर्द होता रहता है कई जगह पेट में या फिर जहां पर कैंसर होता है, तो वो उसको इग्नोर करते रहते हैं कि होगा पता नहीं चल जाएगा ऐसे ही, और 4-5 महीने वैसे ही निकाल देते हैं। जब वो पीक लेवल पर पहुंच जाता है तो फिर आंखें खुलती है और उस टाइम तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो इसलिए भी ये काफी जरूरी है, ताकि जो नहीं कहते प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो पता लग जाए उससे पहले कि उसको कंट्रोल करने की सिचुएशन में हम लोग रह पाए, वही सबसे बेटर है। तो ये भी एक अवेयरनेस का पॉइंट यहां पर निकल कर आता है। तो 4 फरवरी को यहां पर ये सेलिब्रेट किया जाता है, और फर्स्ट टाइम कब इसको सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया था और किसके द्वारा, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। वर्ल्ड कैंसर डे यहां पर यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल, जिसके द्वारा सपोर्ट किया गया कि वर्ल्ड कैंसर डिक्लेरेशन रिटर्न 2008 में, इसके बाद में हम लोगों ने वर्ल्ड कैंसर डे यहां पर स्टार्ट किया सेलिब्रेट करना। तो कौन सी ये है, यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल, तो इसके द्वारा यहां पर इसको स्टार्ट किया गया। किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं जो डेथ होती है कैंसर की वजह से उनको, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं आज के डेट में जो अपनी फैमिली के एक लोते चिराग होते हैं, यानी कि उन्हीं के ऊपर पूरी फैमिली डिपेंडेंट रहती है, और अगर उनकी जान चली जाए तो आप लोग सोचिए कि उस फैमिली का क्या होगा। तो किस तरीके से ये सारी चीजों को, ये वल्नरेबिलिटी जो बनती है इस तरीके का, जो एक तरीके से जो एक फैमिली के ऊपर ये जो बाढ़ इस तरीके की आती है, इस तरीके की कंडीशन बनती है, उसको रोकने के लिए अवेयरनेस फैलाई जाती है। थीम काफी इंटरेस्टिंग थी, अब की बार की बात की गई है आई एम, ये बात की गई है आई एम एंड आई विल, यानी कि मैं इसको जरूर, मैं हूं और मैं इसको जरूर करूंगा, एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि कमिटमेंट दिखाने की कोशिश की जा रही है कि हाँ हम लोग कैंसर को जरूर कंट्रोल करेंगे। तो थीम आप लोग जरूर याद रखें कीजिए, एग्जाम में काफी आसानी से थीम पूछ ली जाती है आप लोगों से, और क्या पर्पज है बेसिकली और किसके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है, ये कुछ क्वेश्चन आप लोग यहां से निकल कर आते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है, ये है आज का क्विज, आप लोगों के सामने अटेम्प्ट कीजिए जैसे, इसके बाद में मैं आप लोगों को आंसर बताऊंगा। 45वां कोल इंडिया फाउंडेशन डे अभी मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड जो माइंस है उनके द्वारा अनाउंस किया गया कि आने वाले टाइम में 1 बिलियन टन हम लोग कब तक यहां पर कोल अपनी कंट्री से निकालने लगेंगे। तो ये जब 45वां कोल इंडिया फाउंडेशन डे सेलिब्रेट करते हैं उस टाइम पर यह टारगेट रखा गया। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप लोग ADR भी बोलते हैं, इसके द्वारा इलेक्ट्रोल बॉन्ड जो है उसका डेटा इकट्ठा किया गया, कहां कहां पर कितना ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड बेचा गया है। आप लोगों को एक लोते बैंक का नाम बताना है जो कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड बेचता है, ये एक तरीका मीडियम है जिसके थ्रू आप लोग पॉलिटिकल पार्टी तक अपना चंदा पहुंचा सकते हैं, इस तरीके से बोल सकते हैं। ये कई सारे मल्टीपल डिनोमिनेशन में आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो कौन कौन से ये डिनोमिनेशन है ये आप लोगों से एग्जाम में स्टेटमेंट की फॉर्म में पूछा जा सकता है कि हाँ ये डिनोमिनेशन के नोट है, क्योंकि बहुत ज्यादा ये न्यूज में रहा, इसको भी एक तरीके से वेग बोला गया, धुंधला बोला गया इसको, क्योंकि सबके सामने निकल कर नहीं आ रहा था कैसे कैसे कौन कहां पर जाकर किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना चंदा दे रहा है, ये हम लोग काउंटर नहीं कर पाते हैं। तो ये इसलिए काफी ज्यादा है सोचने वाली बात है, वो एक अलग बात है कि यहां पर बैंकिंग मीडियम के थ्रू जा रहा है, पर लेकिन ये आखिर कर कौन रहा है, किस तरीके से हो रहा है, तो सिटीजन इंडियन और कंपनी जो है वो यहां पर चंदा पे कर सकती है। ओके, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। नेक्स्ट यहां पर 2 इंपॉर्टेंट कंट्री के नाम आप लोगों को बताने हैं, इनमें से एक कंट्री के द्वारा यूएन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस थी जो 25वीं कॉन्फ्रेंस अभी होने वाली थी, उसको करने से मना कर दिया अपने यहां पर, क्योंकि यहां पर प्रोटेस्ट चल रहे हैं। दूसरी कंट्री के द्वारा इसको एक्सेप्ट किया गया कि हम अपने यहां पर ये कॉन्फ्रेंस कराएंगे, दिसंबर में ही होने वाली है कॉन्फ्रेंस यूएन क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड। तो ये 25वीं कॉन्फ्रेंस है यहां पर, तो आप लोगों को बताना है कि किस कंट्री के द्वारा मना किया गया और किस कंट्री के द्वारा यहां पर इसको एक्सेप्ट किया गया, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। यूएन के द्वारा अभी हमारी कंट्री की दो सिटी को यहां पर अलग अलग जो उसमें लिस्ट में डाला गया है, एक
तो यहाँ पर बात करेंगे, एक सिटी को यहाँ पर फिल्मिंग में डाला है, क्रिएटिव जो फिल्म एरिया का नेटवर्क है, और दूसरे को यहाँ पर जो डाला गया है ये गेस्ट्रोनॉमी में डाला गया है। ठीक है, तो एक का फील्ड है फिल्म और दूसरे का फील्ड है यहाँ पर गेस्ट्रोनॉमी। तो आप लोगों को ये बताना है कौन कौन सी फिल्म, कौन सा फिल्म है और कौन सा गेस्ट्रोनॉमी में है, और ये क्या है, ये क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क है किसका, यूनेस्को का, उसके तहत यहाँ पर इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है। नेक्स्ट बात की जा रही है रोबोटिक सर्वे फैसिलिटी के बारे में, तो ये बताना है कौन से हॉस्पिटल में अभी इसको स्टार्ट किया गया है न्यू दिल्ली के अंदर में, जो कि फर्स्ट इस तरह की फैसिलिटी है हमारी कंट्री में। जो गरीब लोग हैं, गरीब तबका है हमारी सोसाइटी का, उनको यहां पर ये अच्छे से फ्री ऑफ कॉस्ट फैसिलिटी प्रोवाइड कराने का काम करेगा, जो फर्स्ट फैसिलिटी है हमारी कंट्री में, तो इसके बारे में बताना है। नेक्स्ट बात की जा रही है हमारी कंट्री के कौन से मिनिस्टर हैं जिनके द्वारा शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की अर्बन अर्थक्वेक सर्च एंड रेस्क्यू ये एक्सरसाइज यहां पर स्टार्ट की गई अभी 4 नवंबर को, ये आप लोगों को बताना है ये तो कहां पर स्टार्ट की गई है, किसके द्वारा स्टार्ट की गई है और कहां पर स्टार्ट की गई है। और इंटरेस्टिंग बात पता है क्या, क्योंकि पाकिस्तान के द्वारा यहां पर इसको अभी ज्वाइन नहीं किया गया, पाकिस्तान ने इसको ज्वाइन करने से मना कर दिया, तो इसलिए भी ये रिसेंटली अभी न्यूज में थी। ठीक है, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर इंडिया और पाकिस्तान दोनों एक साथ में बने थे 2017 में, और यहां पर अभी पाकिस्तान इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो देखते हैं क्या सोल्यूशन निकल के आता है। इमरान खान वैसे ही प्रॉब्लम फेस करें अपनी कंट्री में, वहां पर उनको एक तरीके से उनके खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहा है काफी लार्ज स्केल पर, जो कलर्जी है वहां के। चलिए देखते हैं, कब तक वो अपना तख्ता बचाकर रखते हैं, आगे आंसर देख लेते हैं। सबसे पहले जो बात की जा रही है यहां पर 45th कोल इंडिया फाउंडेशन डे, 1 बिलियन का टारगेट रखा गया 2024 तक का, ये टारगेट आप लोग याद रखते हैं, काफी इंपोर्टेंट है, खासकर 2024 तक का क्यों रखा गया, 2019 में भी इलेक्शन हुए और 2024 में फिर इलेक्शन होंगे, तो उससे पहले यहां पर इसको अचीव करने की कोशिश की जा रही है। और ये एक तरीके से कॉन्ट्रोवर्सियल स्टेटमेंट भी है, जैसे हमारी कंट्री में क्लाइमेट चेंज एक्टिविटी को रोकने की बात की जा रही है और उसके अपोजिट में जाकर कोयले को ज्यादा से ज्यादा यूज करने की भी बात की जा रही है, तो आप लोग इसको जब क्रिटिसिज्म लिखे, क्रिटिकल क्रिटिसिज्म आप लोग लिखे अगर कंस्ट्रक्टिव, तो यहां पर इसका यूज कर सकते हैं कि गवर्नमेंट की जो स्टेटमेंट है उसमें यहां पर आप लोगों को कॉन्ट्राडिक्टेड देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। और इसके और हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात की जा रही है यहाँ पर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म के बारे में, एसोसिएशन डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, तो SBI है यहाँ पर जिसके द्वारा बताया गया है यहाँ पर कि वो SBI है यहाँ पर जो यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड यहाँ पर प्रस्तुत करता है। डिनोमिनेशन क्या है, 1,000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़, तो इस डिनोमिनेशन में आप लोग यहाँ पर ये जो बॉन्ड है खरीद सकते हैं और जाकर अपनी पॉलिटिकल पार्टी, अपनी फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी को आप लोग दे सकते हैं। चलिए, हालांकि क्वेश्चन थोड़ा सा वैसा है, आप लोग ये बताइए, अगर आप लोगों को बोला जाए कि एक पार्टी को आप लोगों, किसी लीडर की बात नहीं कर रहा हूं, पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रहा हूं, एक पार्टी का नाम आप लोगों को सेंट्रल लेवल पर लिखना है कि कौन सी आप लोगों की फेवरेट पार्टी है, और एक पार्टी का नाम आप लोगों को स्टेट लेवल पर लिखना है। ठीक है, दो पार्टी के नाम आप लोग लिखिए कि कौन कौन सी पार्टी आप लोग फेवर करते हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा यहां पर, किसी भी पार्टी का अगर कोई बंदा किसी को सिलेक्ट कर रहा है, कोई पार्टी का नाम लिख रहा है, तो दूसरा बच्चा उसके नीचे जाकर कमेंट नहीं करेगा, कभी कुछ उल्टे सीधे कमेंट करने लगे, कई बार ऐसी होती है एक्टिविटी। ठीक है, तो इनसे आप लोग दूर रहा करो, थोड़ा अच्छे बच्चे हो तो पढ़ाई पे ध्यान रखो। और देखिए, ये एक अच्छी वो भी होता है कि हाँ, इंसान का पता चलता है कमेंट करने से, आप लोग बोलते हैं ना, उससे पता चल जाता है कि हाँ, ये किस लेवल का खिलाड़ी है, यानी कि किस लेवल की सोच रखता है ये इंसान। तो इसलिए जो भी है आप लोग अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि ये काफी जरूरी है एक इस तरह की हारमोनी बनाकर रखना। नेक्स्ट बात की जा रही है चिली और यहां पर ये स्पेन, चिली ने मना कर दिया कॉन्फ्रेंस कराने से और स्पेन ने बोला है कि वो कॉन्फ्रेंस कराएगा। नेक्स्ट बात की जा रही है मुंबई, मुंबई को फिल्मिंग कैटेगरी के अंदर यहां पर क्रिएटिव जो सिटी नेटवर्क का दर्जा दिया गया है, और गेस्ट्रोनॉमी को यहां पर दिया गया है हैदराबाद, हैदराबाद को दिया गया गेस्ट्रोनॉमी के लिए अंदर। ठीक है ना, उल्टा बोल दिया। तो एक तरीके से खाने के मामले में यहां पर हैदराबाद है और फिल्म के मामले में यहां पर मुंबई है, तो दोनों क्रिएटिव सिटी का दर्जा इनको दिया गया, क्रिएटिव सिटी नेटवर्क, जो कि किसका है, ये यूनेस्को का है। अच्छा, ये बताइए, ये स्टार्ट कब किया गया था, मैंने आप लोगों को ये भी बताया था, स्टार्ट कब से किया गया था इसको। नेक्स्ट बात की जा रही है रोबोटिक सर्जरी फैसिलिटी के बारे में, तो ये सफदरजंग हॉस्पिटल न्यू दिल्ली में यहां से स्टार्ट किया जा रहा है, अगर डॉक्टरों की कमी भी है तो तभी लोगों का आराम से इलाज किया जा सकेगा, तो एक अच्छी बात है। होम मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की ज्वाइंट एक्सरसाइज, जो कि अर्बन अर्थक्वेक एंड सर्च एंड रेस्क्यू के बारे में बात करती है, यानी कि अर्थक्वेक आता है तो कैसे सर्च कर सकते हैं और कैसे बचा सकते हैं लोगों को, उसके ऊपर फोकस दिया जा रहा है। ये दिल्ली में अभी इनॉग्रेट की गई अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर के अंदर, पाकिस्तान ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इंटरेस्टिंग थी। आइए अब आगे बढ़ते हैं, आइए बात करते हैं नैनो मैगजीन के, नैनो न्यूज के बारे में, छोटी छोटी मगर मोटी बातें, काफी इंपोर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल जाता है। सबसे पहले आप लोगों के सामने यहां पर बात की जा रही है ड्राफ्ट प्लैनेट के बारे में, हिंदी में बोलूं तो बोना ग्रह, तो बोना ग्रह किसको बोलते हैं, क्या क्राइटेरिया है, और रिसेंटली अभी कौन सा ग्रह न्यूज में जिसको बोना ग्रह बनाने की बात की जा रही है, तो ये आप लोगों के सामने क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये है यहां पर सबसे पहले, अगर आप लोगों से पूछे एट प्रेजेंट टाइम कितने बोने ग्रह हैं हमारे पास में, तो हमारे पास में टोटल 5 बोने ग्रह हैं, एक हो गया प्लूटो, दूसरा हो गया एरिस, तीसरा हो गया यहां पर ह्यूमेथ, चौथा
चौथा हो गया यहाँ पर ये मैक, पांचवा हो गया यहाँ पर सेरिस। तो ये टोटल पांच बोने ग्रह हैं। अभी छठा बोना ग्रह है इसको बनाने की बात की जा रही है हाइजिया को, तो ये रिसेंटली अभी इंपॉर्टेंट है, न्यूज में है। सबसे जो बोना ग्रह है यहाँ पर सबसे बड़ा वो कौन सा है, वो है आप लोगों के सामने प्लूटो। प्लूटो हालांकि एक ग्रह हुआ करता था पर लेकिन फिर इसको ग्रह की कैटेगरी से बाहर डाल दिया है और इसको बोने ग्रह की कैटेगरी में डाल दिया, जो कि सबसे बड़ा बोना ग्रह है। और बाकी के ये पांच जो है ये इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को नाम देकर पूछ लिया जाएगा कि कौन सा इनमें से बोना ग्रह है और कौन सा बोना ग्रह नहीं है, तो इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं। तो अभी यहां पर जो बोला जा रहा है इसको बोना ग्रह बनाने के लिए हाइजिया को, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए पहले। सबसे पहले तो यहां पर कितनी कंडीशंस होती हैं कि बोना ग्रह हम लोग को डिक्लेयर करना है कि ये बोना ग्रह है, तो इसके लिए चार कंडीशन है। तो चार कंडीशन में से तीन कंडीशन तो ये फुलफिल कर पा रहा है पर लेकिन एक कंडीशन फुलफिल नहीं कर पा रहा है। वो तीन कंडीशन कौन सी है? सूरज के चारों ओर चक्कर लगा तो अच्छी बात है, इसका ये किसी का मून ना हो। जैसे हमारा मून कौन सा है? पृथ्वी का मून, तो आप लोग जानते हैं जिसको हम लोग मून भी बोलते हैं। तो ये चांद जिसको हम लोग बोलते हैं पृथ्वी का मून, तो वो किसी का मून न हो तभी इसको ड्राफ्ट प्लैनेट बोलेंगे, जो कि सही है यहां पर। इसके इसके जब हम लोग हाइजिया के बारे में बात करते हैं वो अपने आसपास का जो एरिया है उसको क्लियर न कर पाए, ठीक है। चौथा, ये तीन स्टेटमेंट तो ये फुलफिल कर पाता है पर लेकिन फोर्थ जो है वो अपने साइज को सही तरीके से ढालना, यानी कि ग्रेविटी पुल करे उसका जो साइज है एक तरीके से स्फेरिकल शेप बनाने के लिए, तो ये वाला अभी यहां पर ये फुलफिल नहीं कर पा रहा है। तो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल जो यूनियन है वो वहां पर चार कैटेगरीज के द्वारा सेट की गई थी कि ये क्राइटेरिया के लिए होने चाहिए, तो तीन फुलफिल कर पा रहा है, एक फुलफिल नहीं कर पा रहा है। तो कौन करता है ये क्राइटेरिया सेट? ये इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। एक क्वेश्चन आप लोगों से ये पूछा जा सकता है, ये हाइजिया के बारे में जो इतनी बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये किसके द्वारा फाइंड किया गया है? तो ये याद रखेगा यूरोपियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन का जो स्पेयर यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट है, जो कि आप लोग वेरी लार्ज टेलीस्कोप जो एस्ट्रोनोमर के द्वारा यहाँ पर इसको फाइंड किया गया हाइजिया को, क्या ऐसा कोई प्लैनेट है हाइजिया, ये एक तरीके से स्मॉलेस्ट होगा जो ड्राफ्ट प्लैनेट की कैटेगरी में अगर इसको प्लैनेट का दर्जा दिया जाता है। बोला ये जा रहा है कि ये इस कंडीशन को भी यहाँ पर कहीं ना कहीं फुलफिल कर रहा है पर लेकिन अभी इसके ऊपर सहमति नहीं बनी है। तो सहमति अगर बन जाती है यहाँ पर शेप वाला साइज की, अपने साइज को भी ठीक कर लेता है, तो यहाँ पर फिर छह ड्राफ्ट प्लैनेट आप लोगों के सामने निकल कर आएंगे। एट प्रेजेंट टाइम टोटल पांच प्लैनेट हैं। यूरोपियन स्पेस रिसर्च अगर ऑर्गेनाइज के बारे में आप लोग बात करें तो 1964 में इसको बनाया गया था और आज के डेट में जो इसका हेडक्वार्टर है वो है पेरिस फ्रांस के अंदर। तो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन यहां पर 10 यूरोपियन स्टेट हैं, यानी कि यूरोपियन यूनियन के अंदर 28 स्टेट हैं आज के डेट में और 19 ऐसे हैं जो खुद की यूरोपियन की करेंसी यूरो यूज करते हैं। तो 10 उनमें से यहां पर आज की डेट में इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, तो इसके बारे में याद रख सकते हैं। तो ड्राफ्ट प्लैनेट कौन सा है ये हम लोगों ने अभी कंडीशन जान ली, इसके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा। इसको सैटेलाइट की कैटेगरी में नहीं रखा जाता है, जो हमारा अभी प्लूटो है 2006 में हम लोगों ने इसको सैटेलाइट की कैटेगरी से बाहर कर दिया था। नेक्स्ट जो न्यूज है यहाँ पर बात की जा रही है यूनियन मिनिस्टर ऑफ आयुष के बारे में, इसके द्वारा इनोग्रेट किया गया नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन फॉर स्किन एंड डिसऑर्डर एट हैदराबाद, इसको बोलते हैं NRIUMSD। तो ये जो है बेसिकली यहाँ पर किसके द्वारा इनोग्रेट किया गया, तो आयुष मंत्रालय के द्वारा इनोग्रेट किया गया है। हमारी कंट्री में आयुष मंत्रालय कब बनाया गया? तो ये एक नया मंत्रालय है जो कि रिसेंटली अभी 2014 में बनाया गया है, तो ये अलग से मिनिस्ट्री का दर्जा इसको 2014 में दिया गया है। तो जो यहाँ पर नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन फॉर स्किन डिसऑर्डर है, ये हैदराबाद में यहाँ पर इनोग्रेट किया गया है और इसी के चलते ये किसके अंडर आते हैं यहाँ पर हमारी कंट्री में? सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन, तो इसके अंडर यहाँ पर एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट इसको माना जा रहा है। अगर बात करें यहाँ पर सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन तो किसके अंडर में आती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ ये आयुष के अंदर में आती है। तो कंफ्यूज आप लोगों को नहीं होना है, कभी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का नाम दे दो और आप लोग वहां पर बोलने लगे हाँ इसके अंडर में आती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर में आती है। 1978 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। जो यूनानी मेडिसिन सिस्टम है ये बेसिकली ये काफी पुराना मेडिसिन सिस्टम है जो कि अरबिक ट्रेडिशन खासकर मुगल एरा के टाइम पर, तो यहाँ पर परसों अरबिक ट्रेडिशन मुगल एरा के टाइम पर यहाँ पर ये खासकर इंडिया और जो यहाँ पर सब कॉन्टिनेंट सेंट्रल एशिया है तो इसमें ये बेसिकली देखने को मिलता था। यूनानी मीन्स ग्रीक में अगर आप लोग बोलेंगे यहाँ पर एज ए, तो परसों अरबिक सिस्टम जो मेडिसिन है ये बेस है यहां पर जो ग्रीक फिजिशियन होते हैं तो उसके बेस पर यहां पर इसको बोला जाता है, तो हाइपोक्रेट्स एंड गैलन, ठीक है, तो इनके बेस पर यहां पर ये सिस्टम डेवलप किया गया। तो आयुष मंत्रालय के अंडर आज के में आता है। आयुष को क्या बोलते हैं आप लोग? आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, सोवा, रिग्पा, होम्योपैथी, तो ये आयुष का एब्रीवेशन फॉर्म है यहां पर, यानी कि इसकी फुल फॉर्म है अगर आप लोगों से कोई पूछे। श्रीपद यासो नायक जो है आज के में यहां पर इसके चीफ मिनिस्टर है, ठीक है, तो फाउंड किया गया था 2014 में, दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। तो ये इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आप लोग याद रख सकते हैं।
बाकी अगर स्किन डिसऑर्डर के बारे में बात करें तो कई सारे आप लोगों ने खुद ने भी देखे होंगे, जैसे कि चेहरे पर फुंसियाँ हो जाती हैं, ये चेहरे पर फुंसियाँ होना, और इसी के साथ में आप लोगों ने सिरोसिस का नाम सुना होगा, ये भी एक काफी खतरनाक लेवल की बीमारी होती है। ये सारी मैक्सिमम आप लोग कई सारी इसमें से लाइफ स्टाइल डिजीज नजर आएंगी, और बहुत सारी तो ऐसी है जिनका आप लोगों ने नाम भी नहीं सुना होगा। तो कैसे ये स्किन डिसऑर्डर को यहाँ पर ठीक कर सकते हैं, इनकी सिम्टम्स को यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं, तो उसके ऊपर फोकस इसके थ्रू दिया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा यहाँ पर इनोग्रेट किया गया यहाँ पर 5th इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, कहाँ पर, ये बंगाल के अंदर, जो कोलकाता में आप लोगों को देखने को मिलेगा, वेस्ट बंगाल के अंदर, जिसको यहाँ पर विश्व बंगाल कन्वेंशन सेंटर बोला जा रहा है। तो यहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इसको इनोग्रेट किया गया है। तो ये 5th इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल किसके द्वारा इनोग्रेट किया गया, तो प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा इनोग्रेट किया गया है। प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, प्राइम ऑब्जेक्टिव है कि जो जनता है उनके अंदर कैसे हम लोग साइंटिफिक टेंपर जनरेट कर सकते हैं, यानी कि इन सब चीजों के बारे में अवेयरनेस फैलाकर कैसे हम लोग अपनी जनता को बता सकते हैं, अपनी कंट्री के सिटीजन को बता सकते हैं कि इस तरीके से आप लोगों को भी आगे सोचना है। खासकर देखिए, अगर आप लोग जानेंगे कि हाँ ये इस एरिया का आईएएस ऑफिसर है, तो आप लोग समझ पाएंगे कि आईएएस ऑफिसर कौन होता है, उसमें क्या पावर होती है, किस तरीके से सोसाइटी को सही किया जा सकता है ये पावर लेकर, तो आप लोग सारी चीजें अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो इस बेस पर आप लोग इसको बोल सकते हैं। तो 5 से लेकर 8 नवंबर तक यहां पर यह फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाएगा, ताकि जो जनता है उसमें साइंटिफिक टेंपर जनरेट किया जा सके। कौन कौन मिलकर यहाँ पर इसको सेलिब्रेट करता है, तो इंटरनेशनल साइंस जो यहाँ पर इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल है, ये यहाँ पर किसके द्वारा ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो कि मिनिस्ट्री है इसके साथ में, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और यहाँ पर विजयता भारती, ठीक है, जिसको विभा के नाम से भी आप लोग जानते हैं, विजना भारती सॉरी, ठीक है, विभा के नाम से जानते हैं। तो विज्ञान प्रसार, ये नोडल एजेंसी है यहाँ पर जो कि ये सारा काम कर रही है। ओके, तो इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। जो थीम है ये काफी इंटरेस्टिंग है, थीम में बात की जा रही है RISEN, रिसर्च इनोवेशन साइंस एम्पावरिंग द नेशन, ठीक है, तो ये इसकी फुल फॉर्म यहां पर बेसिकली रखी गई है। तो ये थीम है यहां पर जो कि आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बात करें अगर यहां पर विजय भारती के बारे में, तो जिसको विभा हम लोग बोलते हैं, तो इसको स्वदेशी साइंस मूवमेंट के नाम से भी पुकारा जाता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यहां पर जो फाउंड की गई थी, ये प्रोफेसर केल वासु के द्वारा फाउंड की गई थी, केल वासु 1991 में, एक एनजीओ टाइप की ये ऑर्गेनाइजेशन है। तो के आई वसु इनका नाम भी आप लोग याद रखते हैं, क्योंकि इनकी वजह से ये एनजीओ यहां पर रिसेंटली अभी न्यूज में है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ये काफी ज्यादा जरूरी है, खासकर इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और हमारी कंट्री का जो खर्चा हो रहा है पर्टिकुलर एरिया में सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने पर, तो उसके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। लैंडमार्क कंटेनर कार्गो जो है हमारी कंट्री में स्टार्ट किया गया। कंटेनर क्या होता है, एक तरीके से जो सामान लेकर जाता है, क्रूड ऑयल वगैरह, फिर कुछ और सामान आप लोग लेकर जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाना। तो यहां पर ये अभी इनलैंड वाटरवेज, जैसे आप लोग देखते हैं हाईवे होते हैं, उसी तरीके से वाटरवेज होते हैं, इनके पानी के रास्ते के थ्रू नाव से जाना आप लोग ऐसा बोल सकते हैं। तो यहां पर हल्दिया कहां पर है, वेस्ट बंगाल के अंदर है, यहां से ये पहुंचा, कहां पर पहुंचा, पांडू कहां पर है, ये गुवाहाटी आसाम के अंदर में। तो यहां तक ये कंटेनर यहां पर बेसिकली पहुंचाया गया। तो श्री गोपाल किशन जो कि सेक्रेटरी है उनके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। पेट्रो जो केमिकल इडेबल ऑयल और यहां पर बेवरेजेस है, ये कंटेनर में यहां से यहां तक पहुंचाए गए। 12 से लेकर 15 दिन तक का जो यहां पर टारगेटेड यहां पर टाइम बेसिकली यहां पर देखने को मिलता है, और ये नेशनल वाटरवे फर्स्ट जो रिवर गंगा के साथ में भी कनेक्टेड आप लोगों को नजर आएगा, और इंडो बांग्लादेश की प्रोटोकॉल के थ्रू नेशनल वाटरवेज जो ब्रह्मपुत्र रिवर के थ्रू भी यहां पर कनेक्ट करने की बात की जा रही है। देखिए, अगर बांग्लादेश को आप लोग अपना पार्ट मान लेंगे, हाँ हमारी ही कंट्री थी ये पहले, हमारा ही पार्ट है ये, तो समझ सकते हैं आप लोग कितना अच्छी कनेक्टिविटी बना सकते हैं। तो इसीलिए हमारी कंट्री में और बांग्लादेश के द्वारा मिलकर जो पुराने रास्ते हैं अंग्रेजों के टाइम पर जो बेसिकली यहां पर रास्ते बनाए गए थे, उनको फिर से रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है, रोडवेज रेलवेज और वाटरवेज को, ताकि अच्छी कनेक्टिविटी यहां पर बनाई जा सके। पर लेकिन ये तभी पॉसिबल है अगर बांग्लादेश के अंदर शांति रहती है, तो तब तक ही हम लोग ये सारा काम कर पाएंगे। इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। ये फर्स्ट एवर जो कंटेनर कार्गो यहां पर मूवमेंट हुआ नेशनल वाटरवेज सेकंड के अंदर में। अगर बात करें इंटरनेशनल वाटरवेज, यहां पर अगर बात करें इनलैंड वाटरवेज जो बेसिकली यहां पर ये स्टार्ट किया जा रहा है, तो इसके चलते देखिए हमारी कंट्री में नॉर्थ ईस्ट को और हम लोग बांग्लादेश के साथ में भी कनेक्टिविटी बना पाएंगे, और आसानी से सामान जो भी यहां पर होता है उसको एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचा पाएंगे। प्रोटोकॉल है इनलैंड वाटरवेज ट्रांजिट ट्रेड इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, जिसके म्यूचुअली बेनिफिट के लिए हम लोग इनको यूज कर सकते हैं। सबसे पहला जो फर्स्ट जो कंसाइनमेंट यहां पर कंटेनर का ये स्टार्ट किया गया था, तो यहां पर नेशनल वाटरवेज फर्स्ट जो कि गंगा भागीरथी और हुगली रिवर के थ्रू यहां पर होता हुआ प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा नवंबर 2018 में इसको रिसीव किया गया था। तो इस तरीके से वाराणसी टर्मिनल के थ्रू यहां पर आप लोग देखते हैं ये चीजें आगे भी और लार्ज स्केल पर बढ़ाई जा सकती हैं। इनलैंड वाटरवेज एक अथॉरिटी है हमारी कंट्री में, ये एक बॉडी है
जो कि ये सारी चीजें रेगुलेट करती है। ये आज की डेट में टोटल अगर लेंथ देखेंगे 14,500 किलोमीटर के थ्रू यहाँ पर बेसिकली बोला जा रहा है। देखिए ये आगे और बढ़ती रहेगी, आप लोगों को रटनी नहीं है, आप लोग इसके बारे में याद रखिएगा। 1986 में इसको बनाया गया था, इनलैंड इन्वेस्टिगेशन ये इसका सेक्टर है, नोएडा में इसका हेडक्वार्टर है। बेसिकली जिस तरीके से नेशनल हाईवे की आप लोग बात करते हैं उसी तरीके से यहाँ पर आप लोग इसके बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आज अगर बात करें इसके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन है, ये जलज श्रीवास्तव है, और मिनिस्ट्री कौन सी है यहाँ पर, तो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के अंडर में यहाँ पर ये आता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके बारे में आप लोग आइडिया जरूर रखिएगा। बाकी जो पोर्ट हल्दिया के बारे में हम लोगों ने बात की, तो ये पोर्ट हल्दिया है यहाँ पर, ये बेसिकली है कहाँ पर, ये पोर्ट हल्दिया आप लोगों को नजर आएगा, हल्दिया रिवर, और जो हुगली रिवर है यहाँ पर इसके पास में आप लोगों को, ये कोलकाता में आप लोगों को नजर आएगा, तो इसके बारे में आइडिया रख सकते हैं। बेसिकली देखिए ब्रह्मपुत्र रिवर की अगर बारे में बात करें, जो कि इंडिया और ये बांग्लादेश को कनेक्ट करने वाली रिवर आप लोग बोलते हैं, तो संस्कृत में इसको सन पुत्रा इसके नाम से जाना जाता है, इनके ब्रह्मा का पुत्रा। लोकेशन कौन कौन सी कंट्री में इसकी, चाइना, इंडिया और बांग्लादेश में देखने को मिलेगी। राज्य कौन से यहां पर, आसाम, अरुणाचल प्रदेश नजर आएंगे। ऑटोनोमस रीजन तिब्बत भी आप लोग बोल सकते हैं, जो कि चाइना के अंडर में है आज के में। सिटी गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ और तेजपुर इसके ऊपर नजर आएगी। सोर्स क्या है यहां पर, यह भागीरथ ग्लेशियर नजर आएगा, हिमालय तिब्बत के अंदर इसका लोकेशन है। जाकर कहां पर गिरती है, बियो बंगाल के अंदर जाकर गिरती है, डेल्टा बनाती है यहां पर, ये बांग्लादेश के पास में जब यहां पर जाकर गिरेगी। ये सारी ट्रिब्यूटरी है, रटना नहीं है, एक बार देख लीजिएगा बस इनको, जैसे हो गया दिबांग रिवर, लोहित रिवर, ठीक है। तो ये कुछ ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, आप लोग ज्यादा रटते नहीं है। तीस्ता काफी न्यूज में रहती है, क्यों, क्योंकि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में ये डिस्प्यूट का रीजन है, वेस्ट बंगाल के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, तो ये भी इसकी ही यहां पर आप लोगों को ट्रिब्यूटरी नजर आएगी, ठीक है। तो इनके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। बाकी थोड़ा सा यहां पर देखते हैं, ये गंगा हो गया और ये हो गया ब्रह्मपुत्रा। अगर थोड़ा सा आगे बचेंगे, जैसे ये हमारी कंट्री में इसको ब्रह्मपुत्रा कहते हैं, जैसे ये वेस्ट बंगाल, जैसे ये बांग्लादेश में घुसती है इसको जमुना बोल देते हैं, जैसे यहां पर ये गंगा के साथ में मिलती है तो इसको पद्मा बोल देते हैं, और फिर बेव बंगाल में जाकर गिरती है तो इसको मेघना बोल देते हैं। तो एक ही रिवर के इतने सारे नाम आप लोगों को देखने को मिलेंगे, तो आइडिया रख सकते हैं। आइए इसी बहाने से थोड़ा सा नजर गंगा के ऊपर भी जान लेते हैं। गंगा ये ट्रांस बाउंड्री रिवर है, जो कि इंडिया और बांग्लादेश में बहती है, तो दो कंट्री में बहती है, इंडिया और बांग्लादेश में। ये जो माउथ है गंगा डेल्टा, इसको आप लोग बोलते हैं। सोर्स कहां पर है, गंगोत्री ग्लेशियर, नंदा देवी आप लोगों को नजर आएगा। सिटी कौन सी है इसके ऊपर, वाराणसी, हरिद्वार, पटना, प्रयागराज, जिसको इलाहाबाद भी आप लोग बोलते थे, कोलकाता, कानपुर और गाजीपुर। देखिए कई बार ये जिसे आप लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा यहां पर देखने को मिलेगा, जो पूछा जा सकता है, तो वह है प्रयागराज, क्योंकि न्यूज में है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले जाते हैं, और कई बार मैच के लिए भी आ जाता है। जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की आप लोग तैयारी करते हैं वहां पर तो डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। ब्रिज कौन से है इसके ऊपर, सेंट्रल हिमालयन एडवेंचर और महात्मा गांधी सेतु, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोगों से पूछ ले जाता है। ट्रिब्यूटरीज इसकी कई सारी है, जैसे आप लोग देखते हैं गोमती, सोन, रामगंगा, तो सारी रटनी नहीं है, हल्का सा नजर इनके ऊपर आप लोग डाल सकते हैं, ये सारी ट्रिब्यूटरीज होगी बेसिकली इसकी, ठीक है। तो ये भी हो गया, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर एक कंपनी और प्रोडक्ट के बारे में बात की जा रही है, तो जर्मन फर्मा कंपनी है बेयर, जिसका नाम है, ये काफी लॉसूट फॉलो आज के में फेस कर रही है, क्योंकि हर्बेसाइड जो है ये माना जा रहा है कि कैंसर जनिक यहाँ पर प्रोडक्ट है, यानी कि कैंसर इसकी वजह से हो सकता है। हर्बेसाइड्स किसको बोलते हैं यहाँ पर, ये एक तरीके से शाकनाशी आप लोग बोल सकते हैं, यानी कि फालतू के अगर कोई ऐसे, जैसे कई बार धूप वगैरह हो जाती है, कई सारे ऐसे खेतों में जो प्रोडक्ट हो जाते हैं जो कि खेती के अलग में है, तो उसके बारे में बात की जाती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भी यहाँ पर ग्लाइफोसेट के बारे में बात की गई है यहाँ पर, कि ये फाउंड किया जाता है एज ए कार्सिनोजेनिक, यानी कि एक तरीके से ये कैंसर ये उत्पन्न कर सकता है इंसान के अंदर में। अगर बात करें इसके बारे में, तो देखिए ये जो प्रोडक्ट है ये कंपनी यहाँ पर बोलती है कि हम लोगों यहाँ पर, हालांकि इसके खिलाफ यहाँ पर कई बार यहां पर कोर्ट में लोग जा चुके हैं। ये किसके द्वारा एक्वायर की गई है, ये मोनसेंटो, ये कैलिफोर्निया बेस्ड एक कंपनी है जिसके द्वारा इसको बेयर को एक्वायर किया गया। और यहां पर ये बोलते हैं कि यूएसए में बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो आज के में हमारा प्रोडक्ट चाहते हैं, तो इसलिए हम लोग इस प्रोडक्ट को बंद नहीं कर रहे हैं, किसानों को इससे काफी फायदा होता है। अब मर रहे हैं तो मरे, इनको तो अपने उससे फायदा रखना है, तो ये कंडीशन यहां पर इसके बारे में बेसिकली बात की जा रही है। तो ये न्यूज में इसके बारे में आइडिया रख सकते हैं। जो प्रोडक्ट है यहां पर ये है ग्लाइफोसेट, ठीक है, जिसके बारे में यहां पर बात की जा रही है, तो हल्का सा आइडिया रखिएगा। थोड़ा सा इसके बारे में अगर और जाने, यहाँ पर ग्लाइफोसेट के बारे में ये डेवलप किया गया था 1970s में फर्स्ट टाइम, ठीक है ना, तो इसके चलते यहाँ पर ये आज के डेट में यूज किया जा रहा है। और IUPAC जो सिस्टम है बेसिकली नोमेनक्लेचर का, उसके थ्रू यहाँ पर इसका नाम दिया गया। अगर इसके फॉर्मूले की बात करें तो C3H8NO5P आप लोगों यहाँ पर इसका फॉर्मूला नजर आएगा ग्लाइफोसेट का। इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर, इसके द्वारा यहाँ पर बोला गया कि यहाँ पर ये एक्टिविटी है जिसकी वजह से प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। इसका हेडक्वार्टर फ्रांस के अंदर में है, 1965 में यहाँ पर इसको एस्टेब्लिश किया गया था। देखिए अगर ऐसी कोई एजेंसी और जैसे हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, अगर ये एक बार को बोल देती है कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो फिर देखिए वो प्रोडक्ट एक बार को सोचना पड़ जाता है कि ये प्रोडक्ट ठीक काम कर रहा है या नहीं।
तो ये जो प्रोडक्ट है इसके बारे में क्वेश्चन आप लोगों से कोई पूछा जा सकता है तो बताएगा जरूर। तो 1965 में बनाया गया था, हेड कौन है यहाँ पर, यह है एलिजाबेथ और यह है वाइडर पास, ठीक है। तो इनका नाम भी हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है इसकी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, यह है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट बात की जा रही है स्वेज कैनाल के बारे में। स्वेज कैनाल एक बहुत बड़ा रीजन था हमारी कंट्री के ऊपर कंट्रोल होने का अंग्रेजों का शानदार तरीके से, क्योंकि पहले जो थे वो अंग्रेज घूम घाम कर आया करते थे हमारी कंट्री में। यानी कि अगर आप लोग मैप में एक बार देखना चाहेंगे, पहले जो अंग्रेज थे हमारी कंट्री में यहां से निकल कर आते थे और वो ऐसे आया करते थे, तो लंबा रूट लेते थे। जैसे ही स्वेज कैनाल का पता चला तो उनको एक शॉर्टकट मिल गया जिससे आसानी से वो हमारी कंट्री पर कंट्री के पास में आने लगे। तो ये बहुत बड़ा रीजन बेसिकली माना जाता है। तो 1869 में यहां पर इसको बनाया गया था, तो देख सकते हैं लगभग 150 साल यहां पर इसको कंप्लीट हो गए। ये किस-किस एरिया को यहां पर ऐड करती है, तो ये याद रखिएगा, ये यहां पर मेडिटेरेनियन सी को रेड सी के साथ में यहां पर ऐड करती है। इस्तुमुज, ये यहां पर थ्रू इस्तुमुज ऑफ स्वेज से होकर यहां पर ये गुजरती है, ठीक है। ये पर्टिकुलर एरिया हो गया जिसके बारे में यहां पर बात की जा रही है, तो इसके बारे में आप लोग याद रखते हैं स्वेज कैनाल के बारे में। और एनसीईआरटी आप लोगों ने पढ़ी होगी इकोनॉमी की 11th की, तो उसमें भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था ये, इसके बारे में याद रखिएगा। स्वेज कैनाल के बारे में कई बार क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। इंटरेस्टिंग फैक्ट आप लोग यहां पर ये देख सकते हैं, 1956 तक, जो कि काफी बड़ा टाइम आप लोग बोल सकते हैं, हमारी कंट्री भी आजाद हो चुकी थी, ये फ्रांस और यूके के अंडर थी, क्योंकि आप लोगों को पता है फ्रांस और यूके के द्वारा ही सब पे कंट्रोल किया गया था। फिर इसके बाद में यहां पर ये 1956 के बाद में यहां पर ये इजिप्ट के कंट्रोल में आ गई, आज की डेट में अब ये इजिप्ट के कंट्रोल में है। नेक्स्ट बात की जा रही है पाकिस्तान की साइड से और इंडिया की साइड से, जो अभी रिसेंटली 550वीं बर्थ एनिवर्सरी गुरु नानक देव जी की सेलिब्रेट की जा रही है, तो उसके बारे में यहां पर ये न्यूज है। पाकिस्तान के द्वारा रिक्वायर करने की बात की जा रही है पासपोर्ट 10 days एडवांस, अगर कोई सिख पिलग्रिम्स यहां से आना चाहता है। पंजाब के चीफ मिनिस्टर के द्वारा बोला गया कि भैया सिख पिलग्रिम्स, वो सिख जो श्रद्धालु है उसके बारे में ही बात मत करो, अगर कोई भी सिटीजन सेक्युलर इंडिया से आना चाहता है तो उसके लिए आप लोग अलाउ यहां पर करो, ताकि लोग जो है यहां पर आसानी से आ सके, ऐसा नहीं है कि वो सिख ही होना चाहिए। तो मान लीजिए कोई सिख कम्युनिटी का लोग नहीं है, वो भी जाना चाहते हैं कोई इंसान, तो वो भी यहां पर जा सके, तो इसके बारे में गुहार लगाई गई है पंजाब के चीफ मिनिस्टर के द्वारा। क्योंकि जैसे यहां पर जो नाम लिया गया यहां पर नानक नाम लेवा संगत, ठीक है, तो यहां पर ये अलग अदर रिलीजन से बिलोंग करती है, ऐसा नेसेसरी नहीं है कि सिख कम्युनिटी से ही आप लोग यहां पर लोग देखने को मिलेंगे, तो इस तरीके से आप लोग सबको अलाउ कीजिए। यहां ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए थे, ईशा गौतम के द्वारा अच्छे आंसर दिए हैं, शानदार तरीके से आप लोग पार्टिसिपेट करें, ऐसे ही पार्टिसिपेट करते रहना है। संडाई फ्रेमवर्क के बारे में बात की जा रही है, तो यहां पर इसके द्वारा रिप्लेस किया गया था हियोगो फ्रेमवर्क को, ठीक है, जो कि 2005 से लेकर 15 तक था, ये 2015 से लेकर अब 2030 तक है। बॉम्बे टेक्नोलॉजी पार्क के बारे में बात की गई थी, तो ये आसाम के अंदर यहां पर भी स्टेब्लिश करने की बात की जा रही है, और जो नई दो यूनिट रेडी बनाई है JNK और लद्दाख में भी इसको स्टेब्लिश करने की बात अभी रिसेंटली की गई है। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है जनरल असेंबली के बारे में, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में, तो 2 अक्टूबर को फर्स्ट इसका एडिशन हुआ था ग्रेटर नोएडा में, और अभी रिसेंटली न्यू दिल्ली में इसका सेकंड एडिशन देखने को मिला। कोल इंडिया एक महारत्ना कंपनी है जिसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। नेक्स्ट यहां पर आज की स्कीम है, यहां बात की जा रही है डिजिटल इंडिया के बारे में, तो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम हमारी कंट्री में स्टार्ट किया गया ताकि डिजिटली लोगों को इंपावर किया जा सके। तो ये जो प्रोग्राम स्टार्ट किया गया हमारी कंट्री में, ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में स्टार्ट ये किया गया, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जो बेनिफिशियरी यहां पर करना चाहती है हमारी कंट्री में, खासकर ब्रॉडबैंड फैसिलिटी, यूनिवर्सल एक्सेस इंटरनेट फोन के थ्रू यहां पर पब्लिक इंटरनेट प्रोवाइड कराना, ई गवर्नेंस प्रोवाइड कराना, खासकर जो हमारी कंट्री में पंचायत है उनको ढंग से चीजें प्रोवाइड कराना। तो इसके चलते डिजिटल इंडिया जो प्रोग्राम है ये हमारी कंट्री में स्टार्ट किया गया था। लॉन्च कब इसको किया गया था, तो 2015 में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, ताकि डिजिटली लोगों को इंपावर किया जा सके, एजुकेट किया जा सके। तो इसके बारे में ये इंफॉर्मेशन आप लोग रख सकते हैं। आइए अब बात करते हैं आज के क्विज के बारे में। तो आप लोगों के सामने क्विज है, वर्ल्ड कैंसर डे की थीम क्या है 2019 की आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट बात की जा रही है प्लैनेट के बारे में, तो प्लूटो प्लैनेट को किस कब यहां से जो प्लूटो जो जो यहां पर ड्राफ्ट प्लैनेट है उसको कब प्लैनेट की कैटेगरी से बाहर किया गया। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के बारे में, इनके द्वारा अभी रिसेंटली नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन फॉर सिक स्किन डिसऑर्डर, तो कहां पर ये इनॉग्रेट किया गया। नेक्स्ट 5th इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, ये किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया, कोलकाता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है कंटेनर के बारे में, जो रिसेंटली अभी स्टार्ट किया गया, तो कहां से लेकर ये स्टार्ट किया गया, जो कि कहां पर पहुंचा है, ये पांडू के अंदर पहुंचा है, ये पर्टिकुलर कहां पर है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। स्वेज कैनाल जो कि इजिप्ट के अंदर है, किस किस को यहां पर ये कनेक्ट करती है, जो कि इस्तुमुज ऑफ स्वेज के थ्रू यहां पर होते हुए गुजरती है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के द्वारा अभी यहां पर आप लोगों को बताना है ये किसके साथ में हमारी एक्सरसाइज है, जिसको DUSTLINK डस्ट लिंक जिसको बोला गया है, ज्वाइंट एक्सरसाइज है, तो ये फर्स्ट एवर एडिशन इसका देखने को मिलेगा। डिजिटल इंडिया कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, तो ये था हमारा आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने
को एंजॉय किया होगा। लेक्चर अगर पसंद आता है तो लाइक जरूर किया कीजिए, नहीं पसंद आता तो डिसलाइक करने का पूरा हक है। अगर आप लोग को जरा सा भी फायदा इससे हुआ है इस लेक्चर से, तो आप लोग को क्या करना है, आप लोग को जो भी आप लोगों ने सीखा किसी को जाकर पढ़ा दीजिए, या फिर दूसरा काम कीजिए। अगर नहीं पढ़ाना है तो आप लोगों के पास में टाइम नहीं है तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, जो भी सुटेबल लगे आप लोगों को जरूर कीजिए, ताकि इन्फॉर्मेशन और जो भी नॉलेज है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम लोग पहुंचा सके, ठीक है। तो ये आप लोगों को जरूर करना है। यही आप लोग बोल सकते हैं कि मेरी गुरु दक्षिणा है, जो आप लोग किसी को पढ़ाएंगे तो आप लोग से एक देखने को सीखने को मिलेगा, आप लोगों को भी उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से एक अच्छी सोसाइटी हम लोगों को बनानी है। तो आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन प्लास्टिक का बिल्कुल यूज नहीं करनी है। और हाँ, आप लोग की एमसीक्यू की जो वीडियो है वो भी अपलोड कर दी गई थी 11 बजे, उसको भी आप लोग जाकर देख सकते हैं, जो कि मॉर्निंग में नहीं आ पाई थी, उसकी जगह कोई दूसरी वीडियो आ गई थी। तो मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार, तब तक के लिए जय हिंद।